देखिए, पहली बात यह है कि मोहन भागवत जी जो आ रहे हैं वो साल में एक बार इस तरह का कार्यक्रम बनता है। वो विभिन्न क्षेत्रों में जाते हैं, संघ के एक दिन संघ के लोगों से बातचीत होती है, बैठक होती है, फिर एक दिन सभी लोग इकट्ठा होते हैं और उनके विचारों को सुनते हैं। ये उसी के तहत एक कार्यक्रम हो रहा है। प्रधानमंत्री जी का जो आगमन है, प्रधानमंत्री चूंकि बनारस से सांसद हैं और एक सांसद जितना आता है उतना आते हैं जबकि प्रधानमंत्री हैं, और 5 घंटे वो बनारस में रहेंगे 12 तारीख को, और उनका एक कार्यक्रम हरंगा में कार्यक्रम है, दूसरा रामनगर में कार्यक्रम है, उसके बाद वो वापस चले जाएंगे। इन दोनों में कोई तारतम्य नहीं है, क्योंकि हम लोग निश्चित तौर पे वहाँ जब ये बैठक हो रही है तो हो सकता है प्रधानमंत्री जी उनसे मिलने के लिए जाएं। आगामी लोकसभा चुनाव को देखते हुए सभी राजनीतिक दलों की तरह संघ ने भी तैयारी शुरू कर दी है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत 11 नवंबर को काशी में आकर के मंथन करेंगे। इस बैठक में संघ के अखिल भारतीय स्तर के सभी पदाधिकारियों के साथ साथ करीब 250 प्रचारकों को बुलाया गया है, और यह बैठक इसलिए भी अहम हो जाती है कि इसी दौरान 12 नवंबर को प्रधानमंत्री मोदी भी वहां आ रहे हैं। बताया जा रहा है कि इन दोनों नेताओं की बैठक हो सकती है। लोकसभा चुनाव को लेकर के तमाम विचार किए जा सकते हैं और रणनीति बनाई जा सकती है। लखनऊ से दिलीप शुक्ला, ETV।